लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। लोहिया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ झिटकाही मधुबन पंचायत में रविवार को सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के दीप जलाकर शुभ शुरुआत द्वारा किया गया। बिहार राज्य लोहिया स्वच्छता मिशन में चयनित झिटकाही मधुबन पंचायत में तरल एवं अवशिष्ट पदार्थ के निरस्तीकरण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया जोहरा खातून, संचालन सुदर्शन मिश्र और धन्यवाद ज्ञापन हबीबुर रहमान उर्फ बबलू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का फूल माला और अंगवस्त्र से स्वागत किया गया एवं मंत्री जी द्वारा क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले पत्रकार को अंगवस्त्र एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए पत्रकार R9 भारत नेशनल न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ परवेज आलम एवं प्रभात खबर के मनोज कुमार मिश्रा, दैनिक भास्कर के रोहित रंजन, हिंदुस्तान के राकेश कुमार एवं प्रकाश न्यूज लाइव के प्रकाश को सम्मानित किया गया। सम्मानित के बाद कार्यक्रम में इस अवसर पर मंत्री ने कहा, बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता दिखाई है वह काबिले तारीफ है। प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने बताया, सुदूर देहाती क्षेत्र तक साफ सफाई की यह पहल सराहनीय है। पंचायत को हरा नीला डब्बा दिया गया, साथ ही सफाई कर्मी को ठेला पर बड़ा डब्बा देकर डोर टू डोर कचरा उठाव का निर्देश दिया गया। इस मौके पर वीडियो विजय कुमार ठाकुर, जिला पार्षद आभा ठाकुर, प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही आदि लोग मौजूद रहे। परवेज आलम, जिला ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज बिहार राज्य लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत मधुबन झिटकाही पंचायत के माननीय मुखिया जोहरा खातून जी की अध्यक्षता में आज लोहिया स्वच्छता अभियान का शुरुआत हुआ है यहाँ से। और इस कार्यक्रम में तमाम प्रतिनिधि, अगल बगल के कई मुखियागण, प्रमुख जी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता तमाम लोग उपस्थित रहे हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित संबंधित सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। और आज से मधुबन झिटकाही पंचायत में स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया गया और गीला और सूखा कचरा प्रबंधन के लिए प्रत्येक घर वासियों को एक हरा और एक नीला डब्बा दिया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा उसमें रखना है, अलग अलग तरीकों से उसका प्रबंधन होगा। यानी कि स्वच्छता कोई देखते हुए गंदगी न फैले समाज में, इसलिए ये अभियान की शुरुआत ही सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और हम ऐसा चाहेंगे कि योजना सफलीभूत हो और इसका फायदा समाज। कितने पंचायत को सर चुना गया है? प्रखंड फेज में चार पंचायत चुना गया था कांटी प्रखंड में, लेकिन सात और पंचायत का चयन हुआ है तो 21 में 11 हो गए, 20 में 11 पंचायतों का जो है सो यहाँ हो चुका है। बाकी जो बचा हुआ है निश्चित तौर पर अगले फेज में जो है सभी पंचायतों में सरकार का लक्ष्य है स्वच्छता अभियान चलाने का। चलेगा हमारे मुखिया लोग और सब लोग आए स्वच्छता के बारे में अभियान चलाने के लिए सरकार ने योजना चलाई है, जिसको हम लोग बहुत दिल जान लगा करके इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का पंचायत स्वच्छ हो। और लोगों से मैडम क्या अपील करेंगे? और बीमारी से हम लोगों का गांव ठीक है। मुझे परिचय दे दिया अपना। मैं जोहरा खातून झिटकाही मधुबन की मुखिया हूँ। ये ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन का जो योजना यहाँ आज शुरुआत की गई है, तो हमारा अपील होगा जनता से कि जो सरकार की योजना है उसको सफलीभूत करने के लिए पृथक रूप से जो जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें और सुबह में जब स्वच्छता कर्मी आए तो उसे निष्पादित करने का काम करें ताकि समाज में स्वच्छता फैल सके और एक स्वावलंबी सरकार और उसका उत्तरोत्तर ढंग से उसमें आर्थिक समृद्धि की ओर भी यह योजना ले जाने का काम करें पंचायत।